गधा मेरा पूरे बिहार में चलेगा। राम कृपाल यादव जैसा नेता चुने। राम कृपाल यादव जी 2024 फिर से सांसद बनेंगे। राम कृपाल यादव एक लंबी कतार के साथ वो भी यहाँ से पैदल निकल गए हैं। आशीर्वाद है, जीतेगा राम कृपाल यादव, जिंदाबाद। कन्फर्म जीतेंगे, 100% जीतेंगे। जो ताकत है बिहार के, जो भाजपा में यादव नेता है वो दिखाने वाले हैं। यादव के महासम्मेलन के लिए पाटलिपुत्र लोकसभा से वर्तमान सांसद राम कृपाल यादव अपने हजारों लोगों के साथ, उनका जो काफिला है वो निकल गया है। और ये लंबी कतार गाड़ियों की है। सबसे बड़ी बात और जो चौंकाने वाली बात है कि बजरंग बली भी इस गाड़ी में काफी है। ये झंडा मतलब बुलंद होगा। अरे जरूर बुलंद होगा, क्या बात बोल रहे हैं आप। कन्फर्म जीतेंगे, 100% जीतेंगे। तो राम कृपाल यादव, राम कृपाल यादव को लेकर क्या ख्याल है? क्या ख्याल है कि हम लोग गुरु है, हम लोग चाचा है। बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली का आशीर्वाद जी। आशीर्वाद मेरा दिल से है, दिल से, दिल से आशीर्वाद है। अभिमन्यु यादव जिंदाबाद, राम कृपाल यादव जिंदाबाद। मैं बिहार की जनता से कहना चाहता हूँ एक बार फिर, अच्छा नेता चुने, राम कृपाल यादव जैसा नेता चुने। चलेगा आपका गधा, चलेगा गधा मेरा पूरे बिहार में चलेगा। बली है और ये लंबी कतार आप देख सकते हैं गाड़ियों की। राम कृपाल यादव के जो समर्थक है, या फिर यूं कहें कि जो जो यादव समाज के लोग, सम्मेलन यादवों का है, बिहार भर से जो यादव है वो पट्टा पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि तमाम जो लोग है, चाहे वो कृष्ण जी हो या फिर सुदामा हो, तमाम जो लोग है वो लंबी कतार में देखने को मिल रहे हैं। राम कृपाल यादव को लेकर आपका क्या चिंता? राम कृपाल यादव जी 2024 फिर से सांसद बनेंगे। कितना वोट? कितने वोट मिले? अब ये तो हम नहीं बता सकते, वोट तो वोट, प्यार तो प्यार, कितना भी मिलेगा उतना कम है। कृष्ण भगवान का आशीर्वाद रहेगा बहुत फुल। क्या उम्मीद करती हैं भाई कि भाजपा इस बार उनको मौका दे, फिर वो जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे और जीत करके आएंगे। और एक लंबी कतार, चूंकि राम कृपाल यादव पिछले लाइन में है, और हम कहेंगे दिखाएंगे कि इनके साथ साथ जो है वो शंकर भगवान भी हैं, और वो भी एक जो ओपन जीप है उस पर सवार हैं, और पीछे राम कृपाल यादव जो है वो उनका समर्थक जो है बड़ी संख्या में आपको देखने को मिलेंगे। एक लंबी कतार, चूंकि कह सकते हैं कि यादवों की एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि भाजपा आयोजित की है, तमाम जो बिहार के यादव नेता है जो भाजपा में वो अपनी ताकत को दिखाएंगे। आशीर्वाद है, आशीर्वाद जीतेगा। राम कृपाल जी कैसे रहे? अच्छे लगते हैं। तमाम जो देवी देवता हैं जिन्हें लोग मानते हैं उनकी लंबी कतार है। और दिखे पीछे आपको दिखाएंगे कि बड़ी तस्वीर जो राम कृपाल यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटअप जो हाथ में लिए हुए लोग जो है वो यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं। बापू सभागार में एक बड़ी सभा जो है वो आयोजित की गई है, जहाँ पे यादवों की एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। राम कृपाल यादव एक लंबी कतार के साथ वो भी यहाँ से पैदल निकल गए हैं, और जो सभा स्थल है वहाँ जाएंगे, क्योंकि एक बड़ी जो ताकत है बिहार के, जो भाजपा में यादव नेता है वो दिखाने वाले हैं, और ये बताने जताने की कोशिश करेंगे कि यादवों में किस प्रकार से वो सेंधमारी करने में मजबूती से लगे हुए हैं। तमाम चाहे नित्यानंद राय हो, राम कृपाल यादव समेत तमाम जो नेता हैं वो इस बार जो है वो अपनी ताकत कह सकते दिखाएंगे। क्योंकि जाति आधारित गणना हुई और उसमें जो आंकड़े सार्वजनिक किए गए हैं उसके अनुसार से खूब चर्चा जो है वो इस बात को लेकर हो रही थी। राम कृपाल यादव तमाम अपने समर्थकों के साथ, या फिर यूँ कहें कि यादव समाज के लोगों के साथ जो है वो यहाँ से निकल गए। Yeah.